अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रेवोल्यूशन ऑफ सेल साइकिल। इससे पिछली वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें हमने रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था रेगुलेशन दो तरह से होती है। एक उसमें हमने कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था चेक पॉइंट्स का, और एक वहां पे हमने पढ़ा था कि साइक्लिन और एक एंजाइम है जिसे हम सीडीके कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वो एंजाइम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सेल साइकिल को किस तरह कंट्रोल करता है इसके मतलब हमने कहा था कि उस वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, लेकिन किस तरह, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन प्रोटीन इसकी वजह से। तो बेसिकली अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो जो सेल की रेगुलेशन है वो दो प्रोटीन सब्सटेंसेस कंट्रोल करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सीडीके और दूसरे को हम लोग कहते हैं साइक्लिन। तो स्टार्ट करते हैं सीडीके के लिए, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है जी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं जो काइनेज होता है, जिस एंजाइम के साथ काइनेज आता है इसका मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि ये एंजाइम क्या करता है कि ट्रांसफर कर रहा होगा किस चीज को, फॉस्फेट मॉलिक्यूल को। ठीक है, इस एंजाइम का बेसिकली जो काम है वो क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना है। किसकी, सेल साइकिल में जो जो चीजें हैं, जिन चीजों की फॉस्फोराइलेशन जरूरी है ताकि सेल की डिवीजन नॉर्मली हो सके, उन चीजों की फॉस्फोराइलेशन करने के लिए सीडीके इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सीडीके क्या है, तो बेसिकली ये एक एंजाइम है, जैसा कि हमने नाम से जाहिर है कि जिसके आखिर में एएसई आता है और हम उसे एंजाइम कहते हैं। तो ये सीडीके क्या है, ये एंजाइम है जो कि क्या करता है जी, फॉस्फोराइलेशन करवा रहा होता है। ठीक है जी, जो क्या करवा रहा होता है, फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ, ठीक है जी, ऐड करवा रहा होता है पी मॉलिक्यूल को, जैसे यहां पे पी सिंबल है फॉस्फेट के लिए, हमने यूज किया फॉस्फेट ग्रुप के लिए। तो ये क्या करता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवा रहा होता है, लेकिन किन चीजों की, तो डिफरेंट जी वन फेज के ऊपर, जी टू फेज के ऊपर इसका जो रोल है वो ज्यादा कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट है, ज्यादा में नजर आता है, एस फेज में इसका रोल माइनस आता है। इसमें जो फॉस्फोराइलेशन करवाया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जी टू फेज की बात करते हैं तो जी टू फेज के अंदर स्पिंडल फाइबर, ठीक है जी, ये करवा रहा होता है, ये फॉस्फोराइलेशन करवा रहा होता है, किन चीजों की, अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले स्पिंडल फाइबर, ठीक है जी, स्पिंडल फाइबर कौन से, जो माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाएंगे। इसी तरह ये न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम लोग जिसे पढ़ते हैं उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। सिमिलरली हिस्टोन प्रोटीन की क्या करता है जी, फॉस्फोराइलेशन करवाता है कि क्रोमोसोम अटैचमेंट सीख रहे, क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो नॉर्मली जो सेल डिवीजन के दौरान होनी चाहिए वो रहे, क्रोमोसोम जो हमने पढ़ा एरर आ जाते हैं कि डुप्लीकेशन इन्वर्जन हो सकती है, इस तरह की डिलीटेशन हो सकती है, तो इस तरह के चीजों को, इस तरह के जो एरर है उनसे बचने के लिए भी स्टोन प्रोटीन की क्या थी, फॉस्फोराइलेशन करवाई जाती है। इसके अलावा भी डिफरेंट कंपोनेंट है जो सेल में एक लेवल से दूसरे लेवल में या एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट में खत्म होते हैं, या सेल को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीशनस सब्सटेंसेस जरूरी होते हैं, उन सब्सटेंसेस की भी फॉस्फोराइलेशन ये करवाता है। जैसा कि इनमें दो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, एक है थ्रियोनिन, ठीक है जी, और दूसरी है सीरिन। ये वो प्रोटीन है जो की रूल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं उन एंजाइम का जो सेल साइकिल में एक फेज से दूसरे फेज में सेल को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो साइक्लिन ये नॉर्मली काम कर रहा होता है, यानी कि बेसिकली इन चीजों की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, उनमें फॉस्फेट ऐड करवा रहा होता है। लेकिन इस प्रोटीन इनिशियस सब्सटेंस, इस एंजाइम की खराबी है कि हम लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेज है ये क्या जी, ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम है, कब तक, जब तक इसके साथ एक दूसरा प्रोटीन सब्सटेंस या प्रोटीनस कंपाउंड आगे नहीं जुड़ता जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिन। ठीक है जी, साइक्लिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, जो क्या करती है, बाइंड करती है किसके साथ, सीडीके। साइक्लिन प्रोटीन बाइंड करती है सीडीके के साथ, और इसी तरह सी
डी के जो कि क्या है इनएक्टिव है प्लस साइक्लिन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं जी, ये दोनों मिलते हैं और एक एक्टिव एंजाइम बना देते हैं जो क्या कर रहा होता है जी फॉस्फोराइलेशन का काम करता है। अगर किसी सेल की डिवीजन तब तक नहीं हो सकती जब तक क्या ना हो इन कंपाउंड की फॉस्फोराइलेशन ना हो, और इन कंपाउंड की फॉस्फोराइलेशन के लिए सीडीके और साइक्लिन दोनों का मिलकर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बनता या किसी वजह से साइक्लिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, और जब ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो ये पूरे प्रोसेस में जो एक फेज से दूसरे फेज में, जैसे कि G1 फेज से S फेज में, फिर S फेज से शिफ्टिंग करनी है G2 फेज में, ऐसे फेज में सेल की शिफ्टिंग नहीं होती, सेल वहीं का वहीं रुक के रह जाता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उसकी डिवीजन किसी वजह से नहीं हो पाएगी, क्यों, इन चीजों की फॉस्फोरिलेशन नहीं हुई। तो ये है जी सीडीके का रूल। अब हम चलते हैं साइक्लिन की तरफ। साइक्लिन जैसे कि मैंने बात की, ये प्रोटीन है, और इसका नाम साइक्लिन क्यों रखा है, क्योंकि बेसिकली एक पूरे सेल साइकिल के दौरान ये कंपाउंड जो प्रोटीन है बनती भी है, टूट भी जाती है, फिर वापस बनती है, फिर टूट जाती है, इस तरह इसके बनने और ब्रेक डाउन का प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हम इसे साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं, कि बनती है टूटती है, इसका बनने और टूटने का साइकिल क्या होता है वो रेगुलरली चलता रहता है, और इस तरह एक साइक्लिन जो प्रोटीन है वो बनती टूटती रहती है और पूरे के पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं सेल साइकिल के जो रेगुलेशन के मैकेनिज्म की तरफ। अगर हम लोग रेगुलेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो फर्ज करते हैं कि एक सेल था जो कि क्या जी माइटोटिक और साइटोफेज के साइटोसिस के दौरान, साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या हो रही, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया। अब उस सेल ने मजीद आगे डिवाइड करना तो उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम है जिसे हमने अभी काम नाम दिया था, क्या था जी CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम इसके अंदर होता है। G2 फेज में जो साइक्लिन टूट जाती है उसी के प्रिकर्सर्स को यूज किया जाता है और एक साइक्लिन कंपाउंड या साइक्लिन प्रोटीन बनती है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिन 1, इसे इनिशिएटिंग साइक्लिन या स्टार्टिंग साइक्लिन का नाम भी दिया जाता है। जैसा कि हमें पता है यहां पर स्टार मैंने बनाया हुआ है, जिसे इससे पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता होगा स्टार से मतलब यहां पर हमने बात की थी चेक पॉइंट है, कि ये चेक पॉइंट अगर सारा कुछ क्लियर होगा तो इस चेक पॉइंट से गुजर कर सेल एस फेज में जाएगा। तो जैसे जैसे सेल G1 फेज में क्या होता है, बेसिकली सेल ग्रो करता है इन साइज में, ठीक है जी, वो सबस्टांस यूनिट की कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये उनको बनाया जाता है जो एस फेज में चाहिए। बेसिकली डीएनए सब यूनिट बनते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बनता है, ट्रांसलेशन के लिए जो कंपोनेंट फैक्टर चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फैक्टर चाहिए, उनकी क्या होती है जी प्रोसेस जो इंक्रीज कर देते हैं। तो इसी तरह जो साइक्लिन होता है ये इनकी बनने की मिकदार भी होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, और साइक्लिन क्या करता है जी बाइंड कर जाता है किसके साथ, इनएक्टिव सीडी के जो पिछली डिवीजन से आ रहा है। जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो इसकी क्या होती है फॉस्फोराइलेशन होती है, यहां पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है। अब क्या होता है शुरू में बहुत कम साइक्लिन बाइंड करती है सीडीके के साथ, लिहाजा बहुत कम साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, बहुत कम क्या होता है जी, हम लोग यहां पे एक अलहदा बना के देख लेते हैं कि ये फर्ज करे साइक्लिन है और जब ये जुड़ती है सीडीके के साथ तो जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो ये साइक्लिन कॉम्प्लेक्स क्या जी, जो शुरू में बना है वो बहुत कम होता है, या उसकी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी या मिकदार है वो कम होती है, अमाउंट कम होती है। लिहाजा जैसे जैसे साइक्लिन और सीडीके जुड़ते हैं साइक्लिन सीडीके या सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ये कंसंट्रेशन एक खास लिमिट से, जिसे हम लोग थ्रीशोल्ड स्टिमुलस भी कहते हैं, थ्रीशोल्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, उससे बढ़ती है तो तब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ट्रिगर। ठीक है जी, तब हम इसे ट्रिगर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का नाम देते हैं, तब हम इसे कहते हैं ट्रिगर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और G1 फेज में जो चेक पॉइंट होता है उससे पहले ये जो थ्रीशोल्ड स्टिमुलस है या थ्रीशोल्ड अमाउंट ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है ये बन चुका होता है। जैसे ही चेक पॉइंट तक आते हुए इसकी इतनी अमाउंट बन चुकी होती है कि थ्रीशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस कर सके, सेल G1 फेज से जंप करके इसमें आ जाता है S फेज में, क्योंकि S फेज में क्या होती है डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, और अगर ये ना हो तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रिगर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
अब एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की जो कॉपियां बननी है वो बनती है, क्रोमोसोम के लिए डुप्लीकेशन सारा कुछ हो जाता है। जैसे ही डुप्लीकेशन या एस फेज के अंदर गुजर रहा होता, तो जैसे मैंने यहां पर स्टार्ट में बात किया था, इसे साइक्लिन क्यों कहते हैं, क्योंकि बनती काम करने के बाद टूट जाती है। तो उसी दौरान क्या होता है, ये एंजाइम चला जाता है एक प्रोटीन सब्सटेंस, बेसिकली वो भी एंजाइम इन नेचर होता है, एंजाइम होता है, वो क्या करता है, साइक्लिन की ब्रेक डाउन कर देता है और वापस से सीडी के एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में जी टू फेज के स्टार्ट में भेज देता है। साइक्लिन ट्रिगर जो डीएनए था, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स था, ये एस फेज में एंटर होता है और एस फेज में निकलने तक या एस फेज से जी टू फेज में जाने तक जितनी साइक्लिन सीडीके के साथ जुड़ी होती है एक एंजाइम, उन सारी साइक्लिन कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देता है। लिहाजा इनएक्टिव सीडीके के आदि जी टू फेज में एंटर होता है। जैसे ही जी टू फेज में जाता है तो पहली वाली साइक्लिन वन के जो प्रीकर्सर होते हैं उसे यूज करते हुए साइक्लिन टू बनती है, जिसे हम लोग माइटोटिक साइक्लिन का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम क्या है, माइटोटिक साइक्लिन, ये बनती है। माइटोटिक साइक्लिन और पीछे से आने वाला सीडीके, ये आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से सेम वही बात है कि शुरू में ये कम होते हैं, जैसे जैसे इनके ये जुड़ते हैं इनकी फॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो जाती है, इनमें फॉस्फेट ऐड होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जी टू फेज में इन सारे कंपाउंड की फॉस्फोराइलेशन करनी है। तो जैसे जैसे साइक्लिन टू और सीडीके जुड़ता रहता है, इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है इस कॉम्प्लेक्स की। जब ये कंसेंट्रेशन स्टिमुलस थ्री शोर्ट स्टिमुलस या थ्री शोर्ट पोटेंशियल से अबव जाती है, तो तब जो जेट पॉइंट है जी टू फेज पे, वो सेल की G2 phase से कन्वर्ट कर देता है या उसे निकाल के किस फेज में ले आता है, माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में क्या होता है, सेम वही बात है कि इसका काम था सेल को G2 phase से निकाल के माइटोटिक फेज में लाना। तो जैसे ही माइटोटिक फेज में आता है, सिमिलरली वही बात है कि इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी। लेकिन यहां पर एक बात है कि जितनी ज्यादा अमाउंट इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की होगी, जिसे यहां पर हमने इस कॉम्प्लेक्स को कहा था ट्रिगर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन साइक्लिन टू और जब सीडीके जुड़ता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है हम इसे कहते हैं एमपीएफ। इस एमपीएफ से मुराद क्या जी, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, यह माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर हम इस कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं। जितनी ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स की अमाउंट होगी, सेल उतना ज्यादा टाइम लेगा माइटोसिस फेज में। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है वो है मेटाफेज फेज। मेटाफेज फेज में क्या होगा, जितनी ज्यादा ये एमपीएफ यानी कि साइक्लिन टू और सीडीके जितने ज्यादा बाइंड करेंगे, इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टाइम लेगा ये मेटाफेज में। और सीधी बात है, जब मेटाफेज माइटोसिस की फेज है तो उतना ज्यादा सेल टाइम लेगा माइटोसिस में। जैसे ही इसकी अमाउंट कम होना शुरू होती है, प्रोटीन कंपाउंड या एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है, तो क्या होता है जी, एमपीएफ की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। ये कंसंट्रेशन क्या करती है, ट्रिगर का काम करती है और मेटाफेज में जो माइटोसिस फेज में जो सेल होता है उसे भेज देती है किसमें, साइटोकाइनेसिस में। क्या डिवीजन ऑफ सेल होगी, इससे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो चुकी है। तो जैसे इसकी अमाउंट बिल्कुल कम हो जाती है, ट्रिगर पॉइंट से नीचे आती है, सेल ट्रिगर होता है, स्टिमुलेट होता है और वो मेटा माइटोटिक या कैरियोकाइनेसिस फेज से निकल के साइटोकाइनेसिस फेज में चला जाता है। वहां पे क्या होती है, क्लीवेज बनती है अगर एनिमल का सेल है, और अगर प्लांट का सेल है तो फ्रैगमोप्लास्ट बनती है और एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अब रही बात कि जब इस सेल ने डिवाइड करना है, तो जो जैसे कि हमने पहले बात की थी साइक्लिन वन से स्टार्ट होगा, वो साइक्लिन वन कहां से, तो बेसिकली वो साइक्लिन वन की जो साइक्लिन टू प्रोटीन की ब्रेकडाउन होकर कंपाउंड बनता है। ठीक है जी, साइक्लिन टू की ब्रेकडाउन होती है, कुछ कॉम्पोनेंट इसके एक सेल में चले जाएंगे जो डिवाइड होकर बनेगा, कुछ कॉम्पोनेंट दूसरे सेल में चले जाएंगे, उन्हीं कॉम्पोनेंट से दोबारा फिर साइक्लिन वन बनेगी, वो पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेगी। और इस तरह क्या होता है जी, चेक पॉइंट और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन प्रोटीन एक सेल साइकिल को रेगुलेट करवा रहे होते हैं, उसे बैलेंस फॉर्म में चला रहे होते हैं। अगर इसके सीडीके की फर्ज करें म्यूटेशन की वजह से एंजाइम में चेंजेस आती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो तब भी सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर चेक पॉइंट अपना काम नॉर्मली नहीं करेंगे तब भी क्या होगा, सेल साइकिल डिस्टर्ब होता है। और अगर साइक्लिन प्रोटीन ना बन सके या किसी वजह से ये कह सकते हैं कि सेल में बनी नहीं या अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकती, इसका सीक्वेंस चेंज हो चुका है, तो तब भी क्या होता है, एक सेल साइकिल का प्रोसेस नॉर्मली कैरी आउट नहीं होता, लिहाजा एक सेल की डिवीजन नहीं होती।
तो इस तरह से साइक्लिन क्या करती है, एक सेल साइकिल को सीडीके की मदद से रेगुलेट करवा रही होती है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, इसके मतलब अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।